प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 13वें किस्त से पहले किसानों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए इस साल 2.5 लाख करोड़ से अधिक खर्च किया जाएगा। पिछले 8 साल के दौरान लगभग 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि देश के किसानों पर उर्वरकों की ऊंची वैश्विक कीमतों का बोझ न बढ़े। पीएम मोदी ने आगे कहा कि केंद्र के पीएम किसान सम्मान निधि समेत ऐसी कई योजनाएं हैं जो किसानों को आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी है। बताते चलें कि अब तक 12वीं किस्त किसानों के खाते में भेज दी गई है और जल्द ही 13 किस्त भी जारी कर दी जाएगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी तक किसानों के खाते में 13वीं किस्त के 2000 रुपए जारी किए जा सकते हैं और खबर है कि दिसंबर अंत से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हो सकती है और जनवरी में किसानों के खाते में 2000 भेजे जा सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आधार कार्ड, बैंक अकाउंट से लिंक और EKYC होना चाहिए, वरना खाते में 13वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा। किसान पीएम किसान पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाकर अपडेट भी चेक करते रहें।